रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया है। कोरोना वायरस के चलते प्रणब मुखर्जी का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था और आज उनका निधन की खबर आ रही है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश की कई तमाम हस्तियों ने भी दुख जताया है। प्रणब मुखर्जी देश की जानी मानी राजनीतिक हस्तियों में से एक थे। भारत रत्न से वो सम्मानित किए गए थे। प्रणब मुखर्जी पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस से पीड़ित थे और इलाज दिल्ली में उनका चल रहा था। इसी बीच आज उनके निधन की खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने दुख जताते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि देश की जानी मानी राजनीतिक हस्तियों में से एक पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के इलाज के दौरान आज निधन की खबर अति दुखद। उनके शोक सपत परिवार और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना। सौम्य और सभ्य स्वभाव के श्री मुखर्जी के लंबे राजनीतिक जीवन और देश सेवा समर्पण को हमेशा याद किया जाता रहेगा। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति रहे हैं, भारत रत्न से सम्मानित थे और कोरोना वायरस के चलते पीड़ित थे। पिछले कई दिनों से लगातार उनका इलाज चल रहा था और आपको बता दें कि वो वेंटिलेटर पर रखे गए थे, कोमा में चल रहे थे और इसी दौरान आज उनके निधन की खबर आई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको याद करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि 2014 के अंदर जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो प्रणब मुखर्जी ने ही मुझे शपथ दिलाई थी, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मार्गदर्शक के तौर पर हमेशा उनके अनूठे कार्य को याद किया जाएगा। एपीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।